अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं रज़ा आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल अर्निंग थिंग्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वो एक न्यू एयर ड्रॉप ज्वाइन करेंगे। बेसिकली ये एयर ड्रॉप जो है वो एक वॉलेट का एयर ड्रॉप है, जहाँ पे आप दोस्तों को ज्वाइन करने पे इंस्टेंट जो है वो बिल्कुल फ्री के टोकन जो है वो रिसीव होंगे। तो ए टू जेड तमाम डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा और साथ साथ यहाँ पे आप दोस्तों के साथ एक ट्रिक भी इसकी शेयर करूँगा, जिससे आप अपने रेफरल लिंक को शेयर करके अपनी फ्री की अर्निंग जो है वो ज़्यादा कर सकेंगे, यानी अपनी अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप दोस्तों को बता दूँ कि जितने भी वॉलेट्स या एक्सचेंजेस के एयर ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें ये फ्री की अर्निंग जो है वो देके जाते हैं। तो आप दोस्त जो है वॉलेट्स और एक्सचेंजेस के एयर ड्रॉप्स को लाजमी से ज्वाइन किया करें। तो जिस तरह के हमने सेफपॉल वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट या इसी तरह के मुख्तलिफ वॉलेट्स जो है वो ज्वाइन किए थे, तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों को अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से मिला था। सेम इसी तरह से कोई भी वॉलेट जो है हमें अच्छा अगेंस्ट दे के जा सकता है, तो आपने लाजमी से इसको ज्वाइन कर लेना है। सिंपल से स्टेप्स हैं, कोई आपने KYC वगैरह नहीं करनी, बस आपने इसको ज्वाइन करना है। किस तरह से करना है, बाकी की डिटेल वगैरह और अनलिमिटेड जो रेफर ट्रिक है वो भी आप दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने यहाँ पे आना है, जो आपको लिंक दूंगा ना उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शन जो है वो आएगा। आने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि आप दोस्तों ने यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, एक तो ऐप स्टोर का, यानी अगर आपके पास आईफोन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आएगा ऑप्शन कि यहाँ पे अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर है, यानी आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आपसे उससे भी इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसका कोड भी स्कैन करके वॉलेट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि ज़्यादा हमारे पास जो है वो दोस्तों के पास यहाँ पे होता है एंड्रॉयड मोबाइल, हमने गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों को ये डायरेक्ट कर देगा जाके जो है प्ले स्टोर के मेन पेज पे। जैसे ही यहाँ पे लेके जाएगा, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, ये जो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों को ये वॉलेट जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये इंस्टॉल होता है तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें हमारे पास ये इंस्टॉल जो है वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे आके ये ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इसका नेक्स्ट वाला पेज जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ओपन होने के बाद, जैसे ही यहाँ पर ये ओपन होगा तो आपने यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। ये देखें, आपने यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन आप दोस्तों के सामने आ चुका है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड, इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे अब ये ऑप्शन आ चुका है कि यहाँ पे आके आप अपना पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट करें, यानी आप यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये 6 वर्ड्स का कह रहा है, तो हम यहाँ पे ये सिंपल, क्योंकि ये एक डेमो वॉलेट है, सिंपल हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमने कर लिया। उसके बाद सेम इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे आके ये अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे ये ओके हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड जो है वो लग चुका है। अब आपने क्या करना है, आई अंडरस्टैंड पे इस वाले ऑप्शन पर आके आपने क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पर अपने 12 वर्ड्स, यानी आप यहाँ से 12 वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं और 24 वर्ड्स को भी, 12 वर्ड्स एंड 24 वर्ड्स, दोनों में से किसी एक पे आपने क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमें बेस्ट है कि हम 12 वर्ड्स पे ही इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने ये वाला 12 वर्ड्स वाला जो ऑप्शन है इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे देखिए 12 वर्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं। जैसे ही यहाँ पे आप थोड़ा सा ये आप अप डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आपको 12वां वर्ड्स जो है, यानी 12 वर्ड्स भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये 12 अल्फाज जो हैं आपने कॉपी करके रख लेने, या आप यहाँ पे किसी भी जगह इसको शेयर कर लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी कहीं भी जगह, ईमेल वगैरह। जैसे ही आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आपके सेंड हो जाएंगे जहाँ पर आप इनको चाहेंगे। जैसे ये देखें, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा ये ओपन हो गया कि आप इसको कहाँ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह कर लें, या फिर आप यहाँ पे इनको कहीं अपने पास बैकअप वर्ड्स को जो है आप लिख के कहीं किसी भी कॉपी के कॉपी वगैरह, या आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो है लेके रख लें। उसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों को यहाँ पर एक की मिलेगी। ये देखें, ये आपको एक की मिली है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ये आपकी वॉलेट आईडी है, ठीक है ना।
कॉपी कर लेते हैं हम इसको, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। करने के बाद आपने इसको भी सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने यहाँ पे ये इस तरह से वॉलेट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, ये देखिए यहाँ पे जीरो नज़र आ रहा है। अब एक सिंपल स्टेप पे, कोई आपने KYC वगैरह नहीं करनी, जस्ट आपने एक सिंपल स्टेप कंप्लीट करना है। वो क्या करना है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आप दोस्तों को यहाँ पे 20 टोकन्स जो है वो ज्वाइन करने पे कैसे इंस्टेंट मिलेंगे, ये वाला ऑप्शन जो है इस पर आपने क्लिक करना है। ये वेरीफाई रिबोट है, यानी आपने एक कैप्चा कंप्लीट करना है। इस तरह हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन कि आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करें रिबोट को। ये वेरीफाई पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने एक सिंपल कैप्चा आएगा, आपने इस कैप्चा को कंप्लीट करना और कुछ भी नहीं करना, और आपको इंस्टेंट जो है वो 20 टोकन्स जो है वो रिसीव हो जाएंगे। बाकी की डिटेल भी आप दोस्तों को बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको ये बात जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए कि यहाँ पर ये आपको कार का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो पिक्चर नज़र आ रही है, दोनों ये एक ही चीज़ होती है। आपने इस वक्त पिक्चर को देख लेना है या यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको, वो वाला आपने यहाँ पे कैप्चा जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ये कार देखी, इसको सिलेक्ट कर दिया, ये कार है इसको सिलेक्ट कर दिया, ये वाली कार है इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके हम बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट वाली कार्स जो हैं वो आ चुकी हैं। यहाँ पे भी हमने क्लिक कर दिया, ये वाली भी कार्स हैं, ये वाली भी कार्स हैं, अब यहाँ पे ये वाली भी कार्स हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया, अभी देखें हमारे सामने ये रीलोड होगा और यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ गया। ये देखें, ये आप दोस्तों के सामने सक्सेस का ऑप्शन आ रहा है कि आपको 20 टोकन्स जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं, और यहाँ पर भी आप दोस्तों को सक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने ये मेन पेज जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे अभी आप दोस्तों के सामने 20 टोकन्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। थोड़ा सा ये रिफ्रेश हो लो, यानी जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश होता है आप दोस्तों को सामने ये ओपन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो है यहाँ पे, आप इस वाले ऑप्शन से भी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 टोकन्स जो है यहाँ पे रिसीव होंगे। इसके बाद आप पर रेफरल पे आपको 20 टोकन्स जो है वो रिसीव होंगे। किस तरह से होंगे, सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके दोस्त वगैरह जिसको आपने रेफ़र करना है वो उसका मोबाइल वगैरह आपके पास है तो यहाँ से आप कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, इस वाले ऑप्शन पर आके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक वगैरह उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक कर, ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरा शेयर का ऑप्शन जो है वो आ चुका है। सेम इसी तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो जिस तरह जितने ज़्यादा आपके दोस्त यहाँ पर आपको इसके साथ ज्वाइन होंगे ना, उतने ज़्यादा यहाँ पर आपको टोकन्स जो है वो रिसीव होंगे। इसके बाद क्या करना होगा कि यहाँ पर आप दोस्तों को इसकी अनलिमिटेड ट्रिक भी बताऊँगा। अब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है मोबैक्स का, यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर जो आपको मिलेंगे ना, यहाँ पर 20 अभी मिल जाते हैं ये पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप दोस्तों को यहाँ पे 20 जो टोकन मिलेंगे वो पॉइंट्स होंगे, और ये पॉइंट्स बाद में टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम मोबैक्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन भी है कि यहाँ पे स्टेकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप दोस्तों को ये कह रहा है कि अगर आपके पास मोबैक्स टोकन है तो यहाँ पे आके आप उनको स्टेक भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है, तो आप इसको लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अब मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ इसकी अनलिमिटेड ट्रिक। अब आपने करना क्या है कि आपने जो आपका रेफरल लिंक जो आप दोस्तों ने शेयर किया होगा ना अपने दोस्तों में, वो आपने कहीं व्हाट्सएप वगैरह में रख लेना है, ठीक है। उसको अब आपने क्या करना है, उसमें से उसको दोबारा जो है वहां से आपने क्लिक करना है उस लिंक पे। करने के बाद सबसे पहले आपने जो आपने वॉलेट डाउनलोड किया होगा ना, इस पर आपने चले जाना है, यानी जो आपके पास मेन पेज होगा उस पर आपने जाना है। तो जैसे ही आप दोस्त जो है मेन पेज पे आएंगे इस तरह से, अभी मैं आप दोस्तों से ये देखिए इस तरह से, अब आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस तरह जैसे ही यहाँ पे दबाएंगे आप दोस्तों के सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा इंस्टॉल का और दूसरा आएगा ऐप इन्फो का। आपने क्या करना है, सिंपल आपने ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने इसका मेन पेज जो ऐप इन्फो का इस तरह से आ जाएगा। आपने ऐप इन्फो का ऑप्शन जो है लाजम क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये कह रहा है डाटा यूजिंग डिटेल, आपने यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पर आके क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने यहां पे बैकग्राउंड डाटा, इस पे आपने क्लिक कर देना है ऑफ पे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल यहां पे आ जाना है। आने के बाद सिंपल आपने क्या करना है कि स्टोरेज यूजिंग यूज यहां पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे ये जो आप दोस्तों को क्लियर चीज का ऑप्शन नजर आ रहा है सेकंड वाला, इस पे आपने पहले क्लिक करना है, ये जीरो हो गया। उसके बाद आपने क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका डाटा यहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी
यहाँ पे देखिए, मैं अभी आप दोस्तों ये देखें, डाटा क्लियर का ऑप्शन आ चुका है, इसको हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, वापस हमने यहाँ पे आना है। आने के बाद हमने इंस्टॉल के अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर जो थर्ड ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखें, ये कह रहा है ओके, हमने यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी आप दोस्तों के सामने देखिएगा, ये देखें हमारा ऐप जो है वो रिमूव हो चुका है और इसका डाटा भी यहाँ से क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। ए टू जेड डाटा जो है उसका क्लियर हो चुका है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि आपने यहां पे अपने मोबाइल का जो एरोप्लेन मोड है ना उसको एक दो दफा ऑफ ऑन कर लेना है। ये देखें, ये आप दोस्तों के सामने आ रहा है, इस पर आपने यहां से क्लिक करना है। जैसे ही यहां से क्लिक किया फिर यहां पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको ऑन ऑफ जो है वो करना है। ये देखें, मैंने जैसे ही ऑन ऑफ किया ये मेरा वाईफाई भी चला गया। इसी तरह आपने भी यहां से इसको दो तीन दफा ऑन ऑफ करना है। करने के बाद आपने सिंपल एक दफा आपने मोबाइल को रिफ्रेश कर लेना है। करने के बाद सिंपल आपने वापस आना है। आने के बाद आप जैसे ही यहां पर आएंगे, दोबारा इस लिंक पे आएंगे ना, ये वाले लिंक पे, ठीक है, आप अपने लिंक पे यानी क्लिक करेंगे, दोबारा से जो आपका व्हाट्सएप वगैरह में लिंक होगा उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने यही वाला पेज आएगा जिससे आपका रेफर जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आपके रेफरल लिंक से ये जो है वो आएगा, ठीक है ना। सिंपल काम है ये, आपके रेफरल लिंक, आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके लिंक से ये ऐप का ऑप्शन आएगा, आपने यहां से आके इसको डाउनलोड कर लेना और आपका यहां पर रेफर जो है वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों को यहां पर रेफर करने की भी ट्रिक भी बता दिए, तो इसको लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा और सिंपल से स्टेप है इसको रेफर करने का। आप अपने दोस्तों में इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में या फेसबुक में शेयर करें ताकि आप दोस्तों के साथ जितने ज़्यादा दोस्त ज्वाइन होंगे आप दोस्तों को यहाँ से उतनी अच्छी अर्निंग जो है वो होगी। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।